तो चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और सिंपली टॉपिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपकी आरआरबी, एसएससी एंड सीटीईटी, टीईटी, मैथमेटिक्स, टीजीटी, पीजीटी ऑल कॉम्पिटिशन्स में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। एंड वीडियो को शुरुआत करने से पहले प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। चलिए, तो साधारण ब्याज में सबसे पहले आपका होता है प्रिंसिपल। तो व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन आपका। तो मूलधन ही, अगर आप कोई धन किसी को उधार दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है मूलधन। ठीक है, यानी कि द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। यानी कि आपने कुछ समय के लिए किसी को कोई पैसा दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल और द सम आप इसको कह सकते हैं, यानी कि मूलधन। इसके अलावा फिर होता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। तो एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर्स मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि हम किसी को कोई ब्याज दे रहे हैं, यानी कि आपने अगर अपना कुछ पैसा बैंक में या किसी को उधार दिया है, तो आप अपनी तरफ से उस पर कुछ ब्याज लगाते हैं, वही कहलाता है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखते सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका एसआई। तो ये एसआई सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो आपका ऐड होता है, वो होता है आपका पी, फिर आपका होता है आर, फिर होता है आपका टी, और अपॉन में आपका हो जाता है 100। ओके, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पी मैंने आपको बताई दिया है क्या होता है, व्हाट इज पी। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या करना है। ऐसा ही आप इसको आई भी लिख सकते हैं। तो जहां आपका पी हो गया, ठीक है, तो पी आपको प्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल, यहां पर मैं लिख देती हूँ प्रिंसिपल। देन जो आपका आर है, आर का मतलब होता है रेट। अब रेट परसेंट, ये डिपेंड करता है कि कितना परसेंट ब्याज लगाया गया है, ये हो गया आपका रेट। देन जो आपका टी होता है, वो होता है टाइम। टाइम का मतलब होता है कि कितने समय के लिए कोई भी इंटरेस्ट लगाया गया है। सपोज आपने बैंक में एफडी किया हुआ है, एफडी आपने 1 ईयर के लिए किया है, ठीक है, 1 ईयर्स के लिए आपने एफडी किया, और बैंक ने उस पर 9%, जो बैंक है उसने 9% क्या लगाया है आपके लिए, इंटरेस्ट लगाया है। ठीक है, और कितने 1 साल के लिए, और कितने रुपए पर, सपोज आपने 50,000 रुपीज़ डाले हुए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये तीनों चीजें मिलकर के आपका सिंपल इंटरेस्ट आपको बना रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका बेसिक। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बेस पर आप सारा कुछ निकाल लेते हैं। अगर आपको टी फाइंड करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, टी फाइंड करने के लिए आप करेंगे एसआई। ये हो गया आपका एसआई, आपको दिया रहेगा 100, आपका आ जाएगा ऊपर, और अपॉन में आपका चले जाएगा पी इंटू आर। ठीक है, ये हो गया, आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर आपको करते हैं आर फाइंड कीजिए, आर यानी आप रेट पर फाइंड कीजिए, तो आप करेंगे इसको एसआई। आप एसआई बार बार नहीं लिखें, आई भी चलेगा। एसआई इंटू 100 आपका हो जाएगा, और अपॉन में आपका आ जाएगा पी इंटू टी। ठीक है, ये हो गया आपका P इंटू टी। देन अगर आपको P ही फाइंड करना है, तो फिर आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा एस आई। ठीक है, एस आई इंटू 100 आपका रहेगा, और अपॉन में आपका हो जाएगा R इंटू टी। ठीक है, तो इस तरह से इतने सारे फॉर्मूले बनेंगे एक फॉर्मूले के अंदर। तो आपका जो मेन जो आपका फॉर्मूला वर्क करेगा, वो करेगा आपका आई या एस आई, आप बोल सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, और अपॉन में 100। ठीक है, इस बेस पर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आप अपना जो साधारण ब्याज है, उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं कुछ स्मॉल से सिंपल से क्वेश्चन, एंड देन लेंथी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते सिंपल सा। सपोज आपको गिवन दिया हुआ है पी इज इक्वल टू 5,000, ये आपका हो गया 5,000। देन आर इक्वल आपको हो गया 2 ईयर्स, सॉरी 2%। देन आपको जो टी हो गया, टी या एन कुछ भी यहाँ पर चलता है, ठीक है, टी और एन दोनों एक ही चीज को प्रेजेंट करते हैं। तो टी आपका हो गया 2 ईयर्स। ओके, सो आपको फाइंड करना है व्हाट इज आई। आई यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ओके, सो सिंपली आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला है, वो हम यहाँ पे पुट करते हैं पी आर इंटू टी। ठीक है, पी आर टी अपॉन 100 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको वैल्यू रख देनी है। तो जो आपका पी है, वो है आपका 5,000। ठीक है, हम यहाँ पर रखते हैं 5,000 हो गया, इंटू आर आपका है 2%, इंटू टाइम भी आपका है 2/100। सिंपली अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कैंसिल, ये हो गया आपका कैंसिल, और ये हो गया आपका 4 2 2 4 4 5 जो हो गया आपका 20 एंड 0। तो आपको आ गया ये
आई, यानी कि जो आपका 5000 आपने पी लिया हुआ था उस पर जो साधारण ब्याज लगा वो कितना लगा, 200 पर 2 एनुअल यानी 2 ईयर्स के लिए इतना लगाया गया। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो सिंपल टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको भी बता रही हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं। सपोज अब आपको आई यहाँ फाइंड करना था, अब आपको आ सकता है आर इक्वल दिया है आपको 2, सपोज ये आपको दिया है 2%, आपको टाइम जो दिया है वो दिया है 3 ईयर्स। ओके, एंड आपको अब यहाँ पर आई यहाँ पर दे दिया, आई आपका हो गया समथिंग 200। ओके, तो अब ऐसी कंडीशन में वो पूछेगा कि व्हाट इज पी, पी यानी आपको पी फाइंड करना है, यानी कि मूलधन आप फाइंड कीजिए। तो सिंपली आपको वही जो मैंने बताया था कि जो पी का फॉर्मूला होगा, आप पी रखिए इधर और जो आई के साथ में आप कर दीजिए 100। बस फॉर्मूले को आपको ऊपर नीचे कर देना है और ये होगा आर इंटू टी। ठीक है, चलिए तो आई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो गया 200 × 100 अपॉन में आपका आ गया आर 2 × 3। ओके, अब आप इसे इजी फाइंड कर सकते हैं। ये मैं इसको ऐसे कैंसिल करती हूँ तो यहाँ बचा आपका 100, 100 × 100 हो गया 1000। ठीक है, 1000 / 3। ओके, अब आप चाहें तो इसे और कर सकते हैं, से 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 3 3 9, इस तरह से आपका ये अमाउंट आपको मिल गया। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अब हम थोड़े लेंथी क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।